लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला हर प्रदेश में जारी है। अब उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर से भारतीय जनता पार्टी के नेता सच्चिदानंद पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भाजपा से इस्तीफा देने के बाद अपने सोशल मीडिया पेज पर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के स्लोगन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ फोटो भी पोस्ट की। जानकारी के मुताबिक बसपा ने उन्हें अयोध्या का प्रभारी नियुक्त किया है। फेसबुक पेज पर सच्चिदानंद पांडे ने लिखा, प्रभारी 54 लोकसभा क्षेत्र अयोध्या। इन सबके बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि बसपा सच्चिदानंद पांडे को फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना सकती है। भाजपा से इस्तीफा देते हुए पांडे ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मुझे अब पार्टी में घुटन हो रही है, ऐसे में मैं बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। इस सीट पर बीजेपी ने लल्लू सिंह और सपा कांग्रेस अलायंस ने अवधेश प्रसाद पर भरोसा जताया। फैजाबाद में बसपा द्वारा ब्राह्मण चेहरा उतारने में अन्य दलों के लिए लड़ाई कठिन हो जाएगी। पांडे ने अपने इस्तीफे में कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आदर्श मानकर बाल्यकाल से ही मैंने बीजेपी के सक्रिय सदस्यता ग्रहण की और निरंतर एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करता चलाया। परंतु पूर्व की और अब की भाजपा में सब कुछ बदल चुका है, जिसमें कार्यकर्ताओं को बढ़ाने उन्हें सम्मान देने आगे बढ़ाने के बजाय पार्टी प्यातित और धनबल से परिपूर्ण लोगों को ही तवज्जो देती है। पार्टी जिस सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है, असल वो महज एक जुमला मात्र ही बनकर रह गया, जबकि धरातल पर ना तो इस नीति का कोई क्रियान्वयन है और ना ही विचारधारा में कहीं इसका असर, जिसका प्रतिफल ये है कि जनपद के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक सामान्य सहित सभी वर्ग हतप्रभ और नाखुश हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।